hi guys welcome back to a super quick revision this is super quick revision of pareto analysis that chapter was quite small our uh, super quick revision also i think will be quite small only so let's start uh, pareto analysis pareto analysis is only about one thing what is important what is not top management ke pass time kam hai, hai? okay so try to devote that time only towards the things that are material that are important that give

वो बोलता है दैट इफ यू ऑल विल थिंक प्रॉपरली दिस विल हैपन शायद 80 20 के बदले में शायद 75 फाइव 25 हो जाए लेकिन होएगा दैट 80 परसेंट ऑफ द रेवेन्यू एंड 80 परसेंट ऑफ द प्रॉफिट ओनली कम्स फ्रॉम 20 परसेंट ऑफ द प्रोडक्ट सो दीज प्रोडक्ट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट तो ये प्रोडक्ट्स का जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है जो मार्केटिंग है जो पैकिंग है ओके ऑल दीस शुड बी हैंडल बाय टॉप मैनेजमेंट ओनली बिकॉज दिस प्रोडक्ट्स गिव यू 80 परसेंट इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट अगर कल को ये प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ दिक्कत हुआ कंपनी विल सफर टू अ वेरी बिग बिग एक्सटेंट सेकेंड कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस अभी इसके अंदर इसने क्या बोला एटी ऑफ कंपनीज प्रॉफिट नो विल ओनली कम फ्रॉम ट्वेंटी ऑफ योर कस्टमर्स

तो ये स्टॉक को ये जो 20 परसेंट वाले जो स्टॉक हैं तुम्हारे इनको अच्छे तरीके से कंट्रोल करना इसके से कुछ भी लूज हुआ जो तुम्हारा वैल्यू लूज होगा बहुत ज्यादा होगा फिर उसके बाद एप्लीकेशन इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग 80 परसेंट ऑफ द कॉस्ट इज ओनली इनका ड्यू टू ट्वेंटी ऑफ द एक्टिविटीज एटी ऑफ एंटायर ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट इज बिकॉज ऑफ ट्वेंटी ऑफ द एक्टिविटीज तो यह ये, एक्टिविटीज ये का कॉस्ट की तरफ ध्यान देना क्योंकि दे ऑक्यूपाई ह्यूज कॉस्ट ओके तो यहां पर अगर कुछ कॉस्ट कंट्रोल वगैरह वो नहीं किया देन इन दैट केस तुम्हारे ओवरऑल कॉस्ट बहुत बढ़ जाएंगे क्वालिटी कंट्रोल जो अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने वो बोला भी था एक्सपेक्ट इसके ऊपर कुछ ना कुछ केस स्टडी वगैरह भी आ जाए 80 परसेंट ऑफ ऑल द डिफेक्ट्स आर ड्यू टू 20 द रीजंस तो कंपनी शुड पे प्रॉपर अटेंशन टू तो 20 ऑफ द रीजंस अगर ये रिमूव कर पाओगे एट्टी डिफेक्ट्स भी तुम्हारे प्रोडक्ट के अंदर निकल जाएंगे एनी अदर सिनारियो दिस इज अपन चैप्टर सो देर इट कैन बी अपलाई टू एनीथिंग तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर टू था इन दिस केस जो ये वाला तुम्हारा जो क्वेश्चन था दैट वॉज ऑल अबाउट अपने को यहां पर सेल्स दिया हुआ था नाइन ऑफ आर प्रोडक्ट्स का मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन लिया था और कॉन्ट्रीब्यूशन तो चाहिए ना तो ये तुम्हारे पास सेल्स है इसको आउट ऑफ 100 कन्वर्ट कर लेना ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर था वरना डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता तो जब अप्रोक्सिमेटली एटी परसेंट हो जाएगा एप्रोक्सिमेटली कैन मीन से वो तुम्हारी मर्जी होती है ठीक है जब अराउंड एटी परसेंट हो जाएगा ना सो प्रोडक्ट्स दोफाई फॉर बींग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ सेल्स फिर हम लोगों ने क्या किया इसको मल्टीप्लाई इसको करके कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला हम लोगों ने यहां पे वो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला फिर हम लोगों ने हर प्रोडक्ट का इंडिविजुअली कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला आउट ऑफ द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब वो जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया आप लोगों ने उसको आउट ऑफ हंड्रेड कन्वर्ट कर लिया ठीक है फिर हम लोगों ने उसको अरेंज किया डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर और फिर हम लोगों ने टॉप एट्टी जो है तो वो आइडेंटिफाई कर लिया तो ऐसे ही अपने को यहां पे वो प्रोडक्ट्स मिल गए विच गिव मी टॉप एट्टी का सेल्स विच गिव मी टॉप एट्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन ऑल्सो ठीक है फिर अपने को यहां पे सबसे जरूरी काम करने का था एंड दैट वॉज इन दिस केस डिस्कस योर फाइंडिंग

जो टॉप 80 परसेंट सेल्स के अंदर वो था इनफैक्ट टॉप परफॉर्मिंग सेल्स था लेकिन वो ना टॉप 80 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर वो नहीं आया था तो हम लोगों ने क्या बोला ऐसे प्रोडक्ट्स का ना कॉन्ट्रीब्यूशन इसलिए बहुत कम है क्योंकि पीवी वी रेशो बहुत कम है अभी पीवी वी रेशो बढ़ाने का दो ही मेथड होता है यहाँ सेलिंग प्राइस बढ़ाओ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम आ, कम करो शायद प्रोडक्ट मास स्केल प्रोडक्ट होगा इसलिए उसके लिए कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होगा इसलिए हम लोगों ने उसका सेलिंग प्राइस भी कंपेटेटिव रखा होगा तो हम लोग बस सजेशन दे देते हैं मानना ना माना वो कंपनी का काम है कि अगर सेलिंग प्राइस थोड़ा सा बढ़ा सकते हो बढ़ा लो अगर डिमांड को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वेरिएबल कॉस्ट कुछ ना कुछ टेक्निक यूज करके कम कर सकते हो तो कम करने का ट्राई कर लो ओके बट इंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट डज नॉट गेट हेम्पर्ड फिर उसके बाद ना यहाँ पे अपने को दो प्रोडक्ट्स बीच में वो मिले थे आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट एक ई था पक्का और एक शायद एफ था ये वाले प्रोडक्ट्स ना दे फिगर आउट इन द टॉप एटी परसेंट बट नॉट इन टर्म्स ऑफ सेल्स हम लोगों ने ये प्रोडक्ट्स के लिए क्या बोला कि ना कंपनी शुड ट्राई टू तो डू ऑल तो द थिंग्स टू प्रमोट इट अगर इनका सेल्स बढ़ जाएगा ना तो ऑब्वियसली इनका जो पीबी रेशो है वो इतना ज्यादा है कि कंपनी को बेनिफिट भी बहुत ज्यादा होगा जी एच एन आई व लीज परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रोडक्ट्स के लिए हम लोगों ने वही एक चीज बोला कि इन प्रोडक्ट्स का कोई भी डिसीजन शुड नॉट बी हैंडल बाय द टॉप मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट शुड नॉट वेस्ट इट्स प्रेशियस टाइम इन इट्स प्रेशियस टाइम इन

try to use pareto analysis to find out the defects okay and you will start to be noticing that 80% of all the defects are due to 20% of the reasons okay to aap log pehle yahan pe jo defects hai na aap log usko descending order ke na convert kar lo aur fir uske baad you all start to be doing the things theek hai this particular part we all had done as such ओके okay, तो ये होमवर्क सेक्शन का क्वेश्चन था अगर वो ना आए तो इन्हीं के आंसर भी दे रहा हूँ वेबसाइट फिर उसके बाद जो अपना क्वेश्चन नंबर फोर था ना दिस वाज अगेन examination question, May 2019 का paper था ये okay. ना उसके अंदर ना हम लोग एक कंपनी है जो ना गैरेज के डोर्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं या सर्विस करते हैं या फिर कभी भी कस्टमर को कोई भी दिक्कत वगैरह होता है वी ऑल ट्राई टू डू द थिंग्स ठीक है तो यहाँ पे छह टाइप्स ऑफ पार्ट्स की जरूरत पड़ती है अपने को पहले पैटो एनालिसिस वो करने का था टाइप ऑफ द पार्ट्स सो दे फोर हम लोगों ने इन चीज़ों को डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर वो अरेंज किया और फिर हम लोगों ने टॉप एटी परसेंट निकाल लिया सो so, सबसे ज्यादा जो डिमांड आता है ना वो कौन से प्रोडक्ट्स का आता है वो आप लोग को देख लेना उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या बोला जिन पार्ट्स का ज़्यादा डिमांड आता है वो आप लोग ज़्यादा स्टॉक के अंदर रखो अपार्ट फ्रॉम दैट इंश्योर करो कि उसका जो स्टाफ है दैट इज़ ऑल्सो देयर विद यू सो दोज़ पर्टिकुलर थिंग्स वो एक चीज था फिर उसके बाद जो दूसरा वाला चीज़ था अपने को ना एक सेकेंड लेवल पर एटो भी करने का था और फोनी द मोटर्स ओके मोटर्स अभी मोटर्स के अंदर टाइप ऑफ द सर्विस के अंदर मोटर का कभी कभी इंस्टॉलेशन करना पड़ता है रिप्लेसमेंट करना पड़ता है एडजस्टमेंट करना पड़ता है और लुब्रिकेशन भी करना पड़ता है तो उन लोगों ने क्या बोला था एक सेकेंड लेवल पर एटो एनालिसिस भी करो सेकेंड लेवल का मतलब उसका भी डिटेल लेकिन अपने को ना सिर्फ मोटर वाले का ही सेकेंड लेवल वो करने का था तो फिर हम लोगों ने ये वाली चीज ये वाली डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट किया उसका टॉप एटी परसेंट निकाला एंड देन वी ऑल थॉट कि सबसे ज्यादा जो है वो एडजस्टमेंट का ही रिक्वेस्ट आता है ओके सो इफ वो ट्राई टू एंश्योर दैट यू हैव गुड स्टाफ यू हैव स्पेशलाइज्ड स्टाफ फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग दिस माइट आल्सो हेल्प यू टू फाइंड आउट कि वेदर देर इज सम मैनुफैक्चरिंग डिफेक्ट इन द मोटर ऑल नॉट क्योंकि इतना ज्यादा एडजस्टमेंट का रिक्वेस्ट वगैरह वो नहीं आना चाहिए ठीक है बस तुम्हारा इस चैटर uh, ही था फॉर दिस क्वेश्चन यू शूड जस्ट बोइंग लाइक यू नो दट विच इज फर्स्ट लेवल विच इज अंड लेवल फॉर ए स्मॉल एक्जाम्पल से ऑफर सी ए फाउंडेशन इंटर एंड फाइनल An ECCA course. Okay, so I want to be doing Pareto analysis on them. So I'll arrange their revenues or their profits in descending order. Suppose pata chal gaya that CF final is my top performing course. Okay, in CA file, now I want to be doing subject wise. This subject wise, Pareto analysis will be called as second level of Pareto analysis. Okay? but i trying to get into more details. or okay? This chapter might be very small, but then it is important from exams point of view because businesses know use such 80 20 rules a lot to find out what is important, what, what is not. Top management does not try much, like you know, to interfere in those particular things which are not very valuable to the company. You should learn that. If you're going to be a CEO of a company, okay, ki har cheez ke don't really poke your nose. I'll see you all in the next lecture. Take care. Bye.